बेगम जितेंद्रिय बुद्धि मतामरिथम बतात्मज बनर जूथम उत्तम श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये श्रीराम दूतम शरणम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये शरणम प्रपद्ये करुणार करुणालय अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिनायक भगवान श्रीराम त्रैलोक्य तारिणी जगज्जननी जानकी महाराणी श्री चरण चरण अनंत कोटि दंडवत पीठाधीश्वरी जगज्जननी शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा जगन्नाथ भगवान श्रीरामचरित मानस नवान्न पारायण महाजज्ञर कर्णधार वंदन्य व्यास धारक मंडली वाद्यजंत्र सहयोग करुवा दिलबाबू प्रमोद बाबू डाकबाजी जंत्र माइक आपण मान पाखे शब्द को जे पहुँचे दौंते अनुष्ठान प्रधान उद्योगता वंदन्य दिवाकर बाबा महाराज जी बालिया ग्रामवासी उपस्थित भगवत कथा पिपासु सुदेश सज्जन भक्तिमती मामा अनुष्ठान को जो माने आर्थिक शारीरिक मानसिक स्थिति में सहयोग करमय सहजोग जानी करहु प्रणाम जयती गोपाल प्रभुंकर दिव्य तथा अहेतुक कृपार आज तृतीय दिवस पहुँची अच्छा पवित्र सत्संग कार्यक्रम ये सांध्य अधिवेशन को आपण मानक सुस्वागत आज बह भगवान जतोटी अवतार कथा आपण मैंने श्रवण करते प्रथमत मीन अवतार कच्छप अवतार बराह अवतार नरसिंह अवतार वामन अवतार परशुराम अवतार एवं सप्तम राम अवतार कथा आपण मैंने शुणी भगवान राम पूर्व जतेकोटी अवतार कथा आपण मैंने श्रवण करती कौन सी अवतार प्रभु बह करना प्रभुंर बह राम अवतार आज से बहार कथा आपण मान पाखे कथा जो का रखी से जगह को नेबी एवं सही ठार कथा आपण मानक शुणे जितकी बाट प्रभुंर कृपा जापर आसतु गोटे मिनिट भगवान पावन नाम हरि बोल 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 जय जय राम जय जय राम
सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। वीर बजरंग बाली महावीर हनुमान महाराज की जय। सर्व साधु संतन की जय। ईश्वर कल्याण हो सर्व बोल आनंद कबार हरि बोल। कैलास पर्वत उपरे मॉनिटर टिके कैलास पर्वत उपरे भगवान भूत भावन शिव कथा कहते श्रवण करुछंती माता गिरिराज नंदिनी पार्वती महाराणी। देवी पार्वती महाराणी 14 प्रश्न पचारिथिले श्रीरामचरित मानसरे करे गोटी गोटी समस्त प्रश्नर उत्तर भगवान शंकर रखुछंती। आज तृतीय प्रश्न विवाहर कथा। भगवान विवाह कले मर्त्य मंडल निराकारर नराकार रूप धारण करी भगवान अयोध्या कटक द्वितीय लीला आ भक्त मान द्वितीय खेला जगत को मर्यादार शिक्षा दबापाई भगवान आसीथिले मर्त्य मंडल। रघुनाथ परम पवित्र पावन लीलार कथा आपण मान श्रवण कले निज को सही स्तर को नबाक ही पड़ी पड़ी। राम कथा सुनिबार कथा नुहे राम कथा आचरण करिबार कथा। जेतिकी जेतिकी कथा प्रभुंक कृपारु आपण मानक पाखरे मु निवेदन करुछि। गोटिए दिन गतकाली थिला आउ गोटिए दिन आपण मानक पाखरे प्रभुंकर कृपा हला से पहुँचिछि। एबेतर किछि किछि कथा कानिरे बांधि रखंतु दरकार बळे कामरे लागिबो। कथा कले थिला रावण पठाई विश्वामित्रंकर द्वादश वार्षिक यज्ञ को ध्वंस करने किए मारीच ताड़का सुबाहु यही तीन जन विश्वामित्र यज्ञ को ध्वस्त विध्वस्त करते चली जाते सेतबले सब ब्राह्मण माने साधु माने संत माने विश्वामित्र को निवेदन कले कले गुरुजी इको बेसी गुरुजी पूरा प्लेन इको स्लाइड। ये राक्षस माने इतने कष्ट दे गले आपण तांको किछि दंड देलेनि। विश्वामित्र कहिले कले हे भाई माने जो माने यज्ञ करती व्रत करती पुण्य कार्य करती से मानक गोटे संकल्प करने को पड़ी था। आपण माने घरे श्राद्ध कर श्राद्ध रे संकल्प कर संकल्प रे ब्राह्मण उच्चारण करती अक्रोधन शौच पर सततः ब्रह्मवादी ए कर्तार नियम जो माने कर्ता है यज्ञ करुछंती श्राद्ध करुछंती विवाह करुछंती कौन से धर्मानुष्ठान कर्ता है से मानको ब्राह्मण संकल्प कर मन पकेबे गोटे तंबा पात्र रे गुआटे रखती अक्षत रखती कुशटे रखती। तंबा पत्री होती भगवान शिवंकर शक्तिर स्वरूप पात्री उलट संकल्प पर जो गुआटी को रखा जाए गुआटी होती शक्ति शिवंकर लिंग तुलसी पत्र पका दौंती तुलसी होती विष्णुंकर स्वरूप अक्षत कुश पका जाती ब्रह्मांकर स्वरूप ए पात्री उल्टे संकल्प करी सारिला परे
ब्राह्मण अक्षतटे दिंती पकईकि नमस्कार कर बोली कहती आ मंत्र पाठ करती जग्रत धरम दैती ज्योतिषं ज्योतिरेक तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पित कर्म सिद्धय सन्तु। मु जो संकल्प आज कली ये नौ दिन पाई ये नौ दिन रो कर्म बड़ सिद्ध हो मत पुण्य फल मिलु एति पई हमको प्रतिज्ञा करबा को पड़ी थाए। ब्राह्मण कहंती अक्रोध नहीं शौच परे सततः ब्रह्म बाधिति संकल्प आपण मान कला बेले नियम करिथिबे जे एई 24 घंटा भितरे बा 12 घंटा भितरे बा 3 दिन भितरे बा 9 दिन भितरे मु क्रोध करिबि नाही शौच रहिबि अशौच हेबि नाही असत कथा कहिबि नाही कि असत कथा श्रवण करिबि नाही सततः ब्रह्मवादी भी मु जो वाक्य उच्चारण करिबि ये जगत को ब्रह्ममय विचार करी भगवान स्वरूप रे समस्त को ज्ञान करी करी मु ये यज्ञ करता है। विश्वामित्र कहिले मु यज्ञ करता जदि मु क्रोध करी राग करी हिंसा करी तबे ये जो 12 वर्ष यज्ञ रे मते पुण्य मिलिबा कथा ये सब माइनस हे जीव। आमे माने समस्त कर्म करछंती पुण्य अर्जन करबा पाई काम करुछंती हेले पुण्य क्यों बाटे क्षय हो जाउची से कथा को हमें नजर दौना टिके टिके धृष्टता पाई आमर पुण्य सब क्षय हो जाउची। विश्वामित्र कहले मु क्रोध करि पारिबि नाही ताले माने आसंता काली आसे यज्ञ को ध्वंस करि देबे कहले नाही तमे कहि चिंता करनी वेद वाक्य उच्चारण कले राक्षस माने आसीबे तमे मानसिक स्तर रे वेद उच्चारण करी यज्ञानुष्ठान को जाग्रत करी रख मात्र 24 घंटा भितरे मु यज्ञ रा नारायण को एक क्षेत्र को नै आसीबे। आनंद रे विश्वामित्र यात्रा आरंभ कले सरज सलीले स्नान करीण सरज सलीले स्नान करीन विश्वामित्र तपोधन विश्वामित्र तपोधन सरजु सलीले स्नान करीन विश्वामित्र तपोधन सरज नदी में स्नान तर्पण कले विश्वामित्र राति पाई पाई आसुचे अयोध्यार गोटे रात्रि प्रहरा तार घोड़ा चढ़ी से बाट दे जाऊला देखला जड़े साधु जड़े संथ जड़े ब्राह्मण आम भारत बर्षर संस्कृति कष्ट भारत बर्षर संस्कृति परंपरा साधु ब्राह्मण देखिले आम अवनत मस्तक प्रणाम करणाम आशीर्वाद मध्य मिले गुरु गुरुजन को अवज्ञा कले जो गुरु गुरुजन मैंने देखुं आम को से भाती ये पिलाटी आमको सम्मान दब जदि सम्मान नदे आम चिंता कर बड़ हो गला बहुत पाठ पढ़ला बड़ चाकरी कला सी आमको कहीं सम्मान दब एतिक जदि तांको हृदय आसिला ताहले आमर किछि उन्नति रे बाधा सृष्टि हम प्रत्येक लोकर आशीर्वाद आमको आवश्यक तेणु भगवान श्री श्रीमद् भागवत महापुराण कहते जे काष्ट पाषाण तरु तृणे गोविंद बसंते शरीर प्रमाणे गोविंद लज्जा संकोच दूर करी गोविंद उच्च बोलिब हरि हरि गोविंद गोविंद
पाषाण तरुतृणे बसंती शरीर प्रमाणे भगवान अत्र तत्र सर्वत्र विराजमान करुछन्ति एवं ये भारत वर्ष होचि ब्रह्ममय। स्वामी विवेकानंद जेतबेले चिकागो जाइथिले अमेरिका रे चिकागो शहर रे ताकु विदेशी मान प्रश्न करथिले भारत रे गोटे गच्छ रे सिंदूर लगाई दउछन्ति से गच्छ होचि भगवान, गोटे पत्थर थोइ दउछन्ति पत्थर रे सिंदूर मारि दउछन्ति होउछन्ति ठाकुरानी। भारतीय लोक माने गच्छ रे पत्थर रे तरु रे तृण रे जेउठी देखिले सेइठी भगवान को आविर्भाव करि दउछन्ति। जदि भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिनायक ताहले एते काठ पत्थर बुझिबा कौन दरकार। स्वामी विवेकानंद उत्तर देथिले भगवान होचंती सर्वोच्च शक्ति केन्द्र सोर्स ऑफ एनर्जी हेले तांकु अनुभव करिबा पाई भारतवासी माने प्रत्येक जगह तांकु अनुसंधान करंती। भगवान को बिना गोटे पत्र भी कहलिब गोटे गाड़ी रो पंचर कर दिया जाओ गाड़ी भितरे चक्का भितरे पवन अच्छी जदियो पवन सर्वत्र विराजमान करुची। विवेकानंद कहिले भाई तम गाड़ी चक्का भितर को पवन जाई परिवो कले ना निर्दिष्ट प्रोसेस रे जेमिति पवन ता भितर को प्रवेश कर दिया जाए सेमिति भारतीय लोक माने भगवान को अनुभव करने किछ पद्धति निर्णय पवन सर्वत्र विराजमान थिले आमको फैन आवश्यकता अच्छे गाड़ी भितर को चक्का भितर को पवन दबापी किसी मेसीन आवश्यकता अच्छे पानी स्प्रे करने को किसी मोटर आवश्यकता अच्छे जदिओ सब जगह पवन अच्छी पवन को अनुभव करने जमी आम भिन्न भिन्न स्तर में भिन्न भिन्न जंत्र स्थापन करी थाउ सेमिति भारतवासी माने जदियो भगवान शक्ति केन्द्र किंतु से शक्ति को से सब जगह अनुभव करने काठ पत्थर पाषाण में भगवान को पूजन करी भारतवर्षर संस्कृति से संस्कृति रे दूतटी आसला देखिला ब्राह्मण टीए बाबाजी टीए प्रणाम टीए कला आशीर्वाद कले वत्स यशस्वी हो हाथ जोड़ी पचारा कले आज्ञा मु आपणकर परिचय जानपरि कि ऋषि कहले मो ना विश्वामित्र आउ थे पुंडिया पकला दूतटी आपण ये भोरु भोरु विश्वामित्र कहले मुझे अयोध्यार दशरथ घर को जी मो राजा को संवाद देवि कि कहे ना अल्प बाट मु चली जाई पारिबि। दूतटी मन मन चिंता कला ए विश्वामित्र दिने आसीला जोबाला हरिश्चंद्र अयोध्यार राजत्व करुले आज ये विश्वामित्र आसी पहुँचीगला राजसभा वशिष्ठ वामदेव इत्यादि ऋषि मैंने समस्ते उपस्थित अच्छा महामंत्री सुमंत्र चक्रवर्ती सम्राट दशरथ सिंहासन आरोहण करज्य संपादित करने मंत्री को निर्देश दौरान धूतटी हाथ जोड़ी नवेदन करा महाराज मुझे कहवाक चाहूँ कहे कह जो विश्वामित्र हरिश्चंद्र को दंडर भिकारी कर विश्वामित्र आज आपणकर दरबार को आसुची चमकी पड़े दशरथ राजा सिंहासन छाड़ी ठिया गले कुलगुरु वशिष्ठ चरण स्पर्श कले गुरुजी ये वृद्ध अवस्था चारिटी संतान मत प्रभु हरिश्चंद्र भाई दुर्दशा मत ये विश्वामित्र दब ना तो मुंडरे हाथ रखिले वशिष्ठ कहले हे राजा विश्वामित्र जड़े वेदाध्यायी ब्राह्मण आ साधु तमे तंकु स्वागत करिबा पई दिव्य व्यवस्था ही कर तम व्यवस्था तुमको कौन फल मिलिबो से कथा भगवान जानती ब्राह्मण अभिशाप दौ बा आशीर्वाद दौ ब्राह्मण सत्कार करिबा संवर्धना करिबा राजांकर कर्तव्य
महामंत्री सुमंत्र को निर्देश देले मंत्री विश्वामित्र ऋषि भव्य संवर्धनार व्यवस्था करा जाऊ। तत्क्षणात राजा आज्ञा कार्यकारी करागला, रास्तार फुलर पाखुड़ा बिछेई दियागला। रास्तार दुई पार्श्वरे सुंदरी रमणी माने हाथ में फुलर थाली धरी अपेक्षा कले। ब्राह्मण मानकर वेद ओंकार शब्द, रमणी मानकर पुष्प वृष्टि, राज रास्तार छिंचा जाइथिबा फुलर पाखुड़ा उपरे पाद स्थापन करी विश्वामित्र अयोध्या राज प्रासाद आड़े आसुअछंती। धन्य रे दशरथ, धन्य तोर अतिथि सत्कार व्यवस्था। आनंद रे गदगद होइके सिंह द्वार पाखरे पहुंच गले विश्वामित्र जी। अपेक्षा करिथिले दशरथ मुंड लगे प्रणाम कले, पाछटी नहीं गले, सिंहासन उपरे बसई देले, पाद तले सुवर्णर थाली रखी देले, रानी मान को निर्देश देले। तीर्थोद करे विश्वामित्रंकर पवित्र पाद को धौत कर दिया गला। निज उत्तरी रे पाद को पोछी देले दशरथ राजा, अगर चंदन कर्पूर लगे देले। ए पाद दकर पानी को रानी मान को कहिले, हे रानी माने, बहु दिन धरी मो राजप्रासादटा अपवित्र होइछि, आज मोर सौभाग्य जने वेदाध्याय ब्राह्मण र पाद दक मो सामने आज तमे तीर्थर पानी नहीं मो प्रसाद को टिके पवित्र कर दिय। पृथ्वी जान तीर्थानी तार तीर्थानी सागरे सागरे जन तीर्थानी विप्रपाद दक्षिणे। आम तीर्थ को जाऊ, गंगा को जाऊ, जमुना को जाऊ, सरस्वती को जाऊ, किंतु ब्राह्मण आम द्वार को आसने ता पाद धौत करने को आम भूली जाई था। से पाद दक प्रसाद सिंचवाई भूली जाई था, से पाद दक को पान करने को भूली जाऊ। हेले यही जड़ तीर्थ जो तीर्थ मान आसी पारे ना, आप गंगा को गले गंगार पा पाइबे, जमुना को गले जमुना पा पाइबे, समुद्र को गले समुद्र पा पाइबे, किंतु साधु संत माने चलती तीर्थ ये माने स्वतः आम घर को आसी था। आज विश्वामित्र पद वंदना करी चक्रवर्ती सम्राट हाथ जोड़ी निवेदन करी कहिले, हे राज ऋषि, ये अधमर अतिथि सत्कार जदि किसी त्रुटि थाए आप क्षमा गुण से क्षमा करदे। राजांक मुंडरे हाथ थई विश्वामित्र भक्ति गदगद प्रेम गदगदरे कहिले, राजा रे अतिथि सत्कार चरम सीमार तुम पहुंची सारी छ। ब्राह्मण साधु संत मानकर सत्कार कि भली करा जाए ताहा केवल सूर्य वंशर राजा मानंक ठारु सिखिबार कथा। मु राजा बहुत खुशी, मु बहुत खुशी। पुनः चरण स्पर्श करी दशरथ कहिले, ऋषि, मु जानी पारिबि कि आपणकर की सेवा कले आपणको अधिक खुशी दे पारिबि। विश्वामित्र कहिले, राजा रे, मत अधिक खुशी दबा को जदि चाहूछ मु तो भिक्षार्थी ब्राह्मण, जगतर कल्याण पाई ब्राह्मण भिक्षा करे। राजा, मु आज भिक्षा झुली धरी तो पाखरे उपस्थित होइछि, आ मो भिक्षा झुली कि तू परिपूर्ण करिबु। गदगद होई गले प्रेम रे दशरथ राजा, कले आपण यज्ञ करुछंती, यज्ञ पाई आपण भिक्षा मागुछंती, मु आपणकर भिक्षा झुली परिपूर्ण करि देबी। एही भिक्षा झुली को परिपूर्ण करि दबा पाई जदि आवश्यक हुए ए दशरथ ता निज मुंड काटी आपणक भिक्षा झुली परिपूर्ण करि दब। हे ऋषि श्रेष्ठ, मागंतु आपण कौन भिक्षा चाहछंती। विश्वामित्र कहिले, राजा, देई पारिबु, निश्चय देबी। सुनर भी कूल मऊड़ी रखीबु मो कथा धरे तो पानी सुनर भी कूल मो कथा धरे तो
परित्याग करी राजा मो भिक्षा झुलित पूर्ण करबा को चाहू ना मते राम लक्ष्मण को दे अनुज सहित देहु रघुनाथ निशिचर बद्ध में हव सुना था आखिर धार धार लोतकर बन्या झरी आसला दशरथ राजा जो अहंकार कहते मो मुंड काटी आपणकर भिक्षा झुली परिपूर्ण करदेवी से दशरथ आखिरे लुह दुई पाद धरी पकेले कले हे ऋषि आपणकर यज्ञ पाई आपण राम को मागुछंती राम दुई अक्षर ऋषि दुई अक्षर रे सुना जेते सुना मागिबे देवी दुई अक्षर रे भूमि जेते भूमि मागिबे देवी दुई अक्षर रे धेनु जेते धेनु मागिबे देवी हरिश्चंद्र को भले राज्य त्याग करी राम को नहीं चली थी अंतिम समय रे मु आपन को पाखरे प्रार्थना करूची हे ऋषि श्रेष्ठ दुई अक्षर रे प्राण जदि प्राण मागिबे मध्य देई देवी किंतु राम को देई परबी नहीं देई परबी नहीं देई परबी नहीं विश्वामित्र कहिले राजन तमे मो भिक्षा झुली पूर्ण करि पारिबनि धरुछि चरण हे ऋषि Oh,
आउ किछि मागंतु। वृद्ध काहर चारिटि संतान मते भगवान दैछि। ए अंध बहु दिनरे नयन पाइछि मो नयन छड़े नियंतु नाही ऋषि। आपणकर पाद जुगल धरि आखि लुहरे पाद धोई दौछि मते दया करंतु मो राम को दै पारिबि नाही। पाद उपरे मुंड रखि लुहर बन्या छुटेइ देले दशरथ। विश्वामित्र कहले राजन उठ मोर भिक्षार आवश्यकता नाही। तुम भले चौदह ब्रह्मांडर वंदनीय सम्राट आखिरे लुह दे मो यज्ञ को पूर्णांग करबा को चाहूनी। थाउ मोर यज्ञ मु फेरी जाऊछि राजन। कैलास पर्वत रे कथा कहुछंती शिव सुनुछंती पार्वती महाराणी। प्रश्नटी पचारिले पार्वती कहले प्रभु एई विश्वामित्र हरिश्चंद्र दरबार को जाइथिला सत्य कला अयोध्या राज्यटी दान नेइगला। अयोध्या त्याग करी रोहित आउ सव्यांकु धरी हरिश्चंद्र जेतेबेले परित्याग करुछंती अयोध्या सिंहासन रत्न मुकुट को परित्याग करी विश्वामित्र डाकिले हे हरिश्चंद्र। हाथ जोड़ी पक्ष को चाहिले हरिश्चंद्र। गोटे हाथ पुह रोहित कांधरे गोटे हाथ सव्यांक कांधरे। हाथ काढ़ी हाथ जोड़ी देले कले ऋषि आपण को सेवार किछ त्रुटि हैला। कले श्रोण हरिचंद्र ब्राह्मण को दान कले दक्षिणा दिया जाए। ए कथा कण सूर्य वंश राजा को मागिबा को पड़िबो। अयोध्या भली राज्य दान देलु राजा दक्षिणा कहीं। हरिश्चंद्र कहिले गुरुजी अयोध्यार राजभंडार रे लक्ष लक्ष स्वर्ण मुद्रा गच्छित अछि। आपण तांको दक्षिणा आकार रे नै पारंती। हसी देले विश्वामित्र कले ए राजा तोर चतुरता चरम स्पर्श करिछि मते क्रोधित करिवा पय चेष्टा करना। अयोध्या दान देला बेले ये रत्न भंडार कण ता भितरे नथुला। अयोध्या परे तमे अयोध्या राज्य व्यतीत अन्य कौनसी जगार अर्थ संग्रह करी गोटे मास भितरे पांच सहस्र स्वर्ण मुद्रा ए विश्वामित्र हाथ दबो। ये सही विश्वामित्र। पार्वती पचारिले प्रभु यही से विश्वामित्र काई से क्रोध जो क्रोध थिला हरिश्चंद्र पाखरे। शिव कहिले पार्वती विश्वामित्रंकर उद्देश्य भगवान को नबा। जो भक्त माने भगवान को भल पाती भगवान को भक्ति करती भगवान को पूजा करती से जेकोसी भगवान को पूजा करतु ना कहीं किए संतोषी को पूजा करुच्ची किए मंगला को पूजा करुच्ची किए साई बाबा को पूजा करुच्ची किए ठाकुराणी को पूजा करुच्ची किए शिवंकर भक्त। जीए जो ठाकुर भक्त होना कहीं संथ माने कहिले आकाश पतित द्वयम जथा गच्छति सागरा सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। आपण मंगलांकु नमस्कार करंतु साई बाबांकु नमस्कार करंतु लक्ष्मी की नमस्कार करंतु। सबु नमस्कार दै भगवान विष्णुंकर पदार बिंदरे पहुंच जाए। जेमिति विष्णु सहस्र नाम रे कहा जाइछंती अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे नमो समस्त भूतानां मादि भूताय भूभृते। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे व्यास विष्णु सहस्र नाम रे महाभारत भीष्म पर्व रे लिखिले अनेक रूप रूपाय।
प्रभु तमें केउटी मंगला रूप से पूजा पाउच केउटी शिव रूप से पूजा पाउच केउटी दुर्गा रूप से पूजा पाउच अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे सब होंगे भगवान विष्णुंकर स्वरूप जहा को नमस्कार करंतु जतबेले भगवान को हमें नबा को आसीचु भगवान को भलो पाउचु भगवान को पूजा करूचु हमें मंगला को पूजा करू बा लक्ष्मी की पूजा करू बा दुर्गा को पूजा करू जदि प्रभुंकर कृपा हम पाक को आसुचु बोली हमें अनुभव करबा ताले हृदय रु प्रथमे क्रोध को बहिष्कार करबा दरकार जते उपवास करंतु जते व्रत करंतु जते फूल चंदन भगवान को दियंतु जदि भितरे क्रोध अछि ओडिशा प्रति क्रोध स्वामी प्रति क्रोध पुत्र प्रति क्रोध सासु ससुर प्रति क्रोध पुओ झिया प्रति क्रोध ये जो क्रोध होती अहंकार प्रतीक हृदय क्रोध थी भगवान केवे भी दया करे ना ये कथा को विश्वामित्र भल भाव जाणी तेणु क्रोध को परित्याग कर मना करदे विश्वामित्र मु राम को देवी विश्वामित्र कहले धाऊरे राजा तो आखिरे मु लोह दबा को चाहूनी मो बार वर्षिया यज्ञ चली जाऊ मो पुण्य नष्ट हो जाऊ जगतर कल्याण को मु दही दे दूची मत दरकार नहीं तो आखि लुह मु चली जाऊची ठिया ही पड़िले विश्वामित्र शह शह राज परिचारिक मान भर्ती होती ब्राह्मण वैष्णव साधु संत मान कांदुची दशरथ राजा अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सोला कहिया चक्षु उन्मीलित जेन तस्मै श्री गुरवे नमः जेतेबेले अज्ञान रूपक अंधार शिष्य मुहरे आखिरे माड़ी जाए ज्ञान रूपक अंजन को लगे सद्गुरुदेव ताकु मुक्त कर दियंती एटे गुरु वशिष्ठ ठिया हेले कहले बसंतु विश्वामित्र महाराज आपण को भिक्षा मिलिबो कौन सी गुरु ता शिष्य को केबे पाप करबा को दिए ना कौन सी गुरु केबे पाप करबा को दिए ना आदि वशिष्ठ मध्य कहिले अपेक्षा करंतु विश्वामित्र महाभाग आपण भिक्षा पाइबे गुरुदेवंकर दीपाद को जबुटी धरी दशरथ कांदी कांदी कहिला गुरुजी आपण कथा दौछंती किंतु मु भिक्षा देई परबि नाही ऋषिंकर अबाध्य हेली संथंकर शत्रु हेली आपणंकर शत्रु हेबी नरक को जीवी किंतु राम को देबी नाही कुलगुरु वशिष्ठ ठिया हेले दशरथ को पाद तले उठेले टिके मुंड आउसी देले कले राजा रे राम को दबुनि राम किए कि राम मो पु राम तमर पु एका तमर पु राम नु ये जगत रे जेते बापा अच्छा समस्त गोटे गोटे भी पु अच्छा कहार झी अच्छा कहार पु अच्छा कहीपर ये पु माने बापा माँ को केते पुण्य दे थांते ए संसार प्रत्येक पितामाता को पचारिबा बापा माने पिला मानक पई पुण्य अर्जन करंती आ पुओ माने केबे बापा मानक पई पुण्य करंती नाही तमे जत बड़े संसार को आसीला दशरथ तमे एका आसीथिलो तम साथिरे केही भी नथिले सतबेले तम देहरे केवल भगवान ही विराजमान करूथिले यही भगवान को नहीं संसार को आसिल यही संसार रे पाद थापिल तापर तुमको संपत्ति मिलला धन मिलला झील मिलला स्त्री मिलला पुह मिलला सब मिलला किंतु मन रख राजा जितेबले यही पिंड रु भगवान तुम ठारू छाड़ी चली जी अर्थात जीवन चली जीव से तुमको आई भी स्पर्श करे ना तुमको कहीं सहायता करे ना ना मित्र हि सहायर्थम पिता माता न तिष्ठति न पुत्र न तारा ज्ञाति धर्मम तिष्ठति केवल ना मित्र हि सहायर्थम
जहाँ को परम मित्र बोल कह मरीगला से मित्र तुम सहित जापर पितामा तिष्ठति जो बापा माँ मैंने तुमको जन्म दे तुमको मृत्यु समय किसी भी सहायता करें ना ना पुत्र न दार ज्ञाति जो ज्ञाति कुटुंब मान को तुम निजर कर शीघ्र श्मशान को ने कारण श्मशान को ना जाए से रोष कर खाईपर ना पुत्र ना दारा केवल तुमको धर्म तिष्ठति केवल मरीगला परे तुम आत्मा सहित तीन टी कथा जीव कतोटी कथा तीन टी कथा नंबर एक तमे जीवन चर्या भितर जी भगवान नाम को नहीं भगवान नाम नवापाई कि शौच अशौचर विचार ना स्थान काल पात्र जेकोसी समय जेकोसी जगार जेकोसी परिस्थिति आम भगवान नाम को नहीं पार आ जो भगवान को नाम आम नौ से नाम भगवान रेकर्ड रे लेखा ही रोचे भगवान कंप्यूटर रे आम ना रे फिडिंग ये दिन को एति की थर नाम नहीं जीवन काल सतुरी वर्ष भितर ये नाम नहीं आतक निश्चित भाव पर जन्म पाई आमको सहायता करबा जीव नंबर दुई जीवन काल भितर जदि किसी भल कम कर जीवनचर्या भितर कि भल कम कर धर्म बोली क्या कह पुण्य बोली क्या कह व्यास को पचारे शिष्य माने आपण अठर खंड पुराण लिखी चार वेद लिखी ये सब जाक सार तत्व किसी कहतु ना समस्ते कौन एत बही पत्र पढ़ी पारे ये संसार रे पुण्य अर्जन करने कौन करवा दरकार व्यास कहले ये जिते पुराण मुझुची सबुर सार कथा धा श्लोक मुझे अष्टादश पुराण से व्यासाय वचनम द्वय परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़न ये संसार रे मनीष प्रत्येक समय किसी पुण्य करने को भावुची पुण्य फल पाइबा को इच्छा किंतु पुण्य न करी से प्रति मुहूर्त रे पाप करुची पाप फल भोगिबा को इच्छा नहीं किंतु पाप करी चली जीवन रे जदि किसी पर उपकार करी छंती भगवान को पई किसी काम करी छंती आपण माने स्कूल करी पारिबे नाही गोटे छात्र को खंडे खाता गोटे कलम तो डोनेट करी पारिबे गोटे गरीब पिला को किसी कागज किसी खाता किसी कलम किसी पेंसिल दे पारिबे तो स्कूल करी पारिबे ना सेथरे भी किसी पुण्य मिलिबो आम डाक्तरखाना करी पारिबा नाही सज्जन किंतु जड़े रोगी को दस टकर मेडिसिन तो हेल्प कर गोटे कुकुर आम पाखे ठिया खाइला बेले आम संपूर्ण मिल ताको दे पारिबा नाही किंतु आम खाद्यर तो किछि दे पारिबा ए किछि किछि पुण्य भगवान को दरबार रे संचित होउछि आपण मान जो पवित्र सत्संग आज करू अछंती 13 वर्ष रे पहुँचि छंती सत्संग आपण मानक सहयोग रे दिवाकर बाबा ये सत्संग आयोजन करी छंती बहुत वक्ता को निमंत्रण करी छंती तापाई व्यवस्था मध्य करू छंती किंतु आपण मानक रे सदिच्छा यदि लागी रहे बाबा चली जाई परंती किंतु अनुष्ठान आपण मान निश्चित बंचे पारिबे टिकी टिकी सेवा रे पैसा दबा बड़ कथा नुहे मन दबा बड़ा कथा यही गाँव में जी घर अच्छा प्रत्येक घर जड़े जड़े जब ये बसंती बोधे जगह हम किंतु ताहा आमर दुर्भाग्य
से नौ दिन पर जगह वैकुंठ हो जाए स्थान ये भली कीर्तन ये भली धर्म एमती पारायण एमती सत्संग आम सामन आम अनुभव करना टिके टिके दान जंगल जितने निया लगी जंगल निया लिभेवाई हाथी तार थोड़े गोटे हाथी इच्छा कले पानी शोषिक दु तीन बाल्टी पानी धरिकी जापर झरणार दुई तीन बाल्टी पानी थोड़े धरी हाथी जाऊँ निरे पकाच गोटे बाया चढ़ी झरणार थंटे पानी नहीं पकाच दु तीन थर हाथी देखला पचारा कहला हे चढ़ई तु कौन पानी आनी थंटे पकाच तु एमती केते दिन पकड़े निया लिभरे बाया चढ़ई कहला भाई मु निया लिभे पारिनी एक कथा मुझे जानी किंतु भाई तमें तीन बाल्टी पानी आणुच भगवान कर जो खाता अच्छी ना गोटे पटे लिखाई यही लोक निया लगे गोटे पटे लिखा यही लोक निया लिभ तो नाटा जो लिखा हम मो ना से लिखा हम ना पानी टिकी आपण मान भितर कई दस हजार टंका देला वाला थाई पारंती कोड़ी हजार टंका देला थाई पारंती आपण को ना जो खाता रे रहिबो जे टंका टे भी दउची सेई खाता रे ता ना रहिबो सेई पुण्य फल सेही भोग करि परिबो बोले सच्चिदानंद भगवान की जे तनो टिकिए टिकिए टिके टिके सदिच्छार अर्घ्य जदि आपण माने अजाड़ी दियंती ये अनुष्ठान ओडिशा रे गोटे वंदनीय अनुष्ठान रे परिणत हो पारिबो आ आज काल बिना अर्थ रे किछि भी हो पारिबो नाही आपण मानंकर किछि खर्च चाहिले गोटे कप रो चा कप रो दाम 5 टंका जणे जदि चाहिबो 5टी टंका सबु दिन रखिबा पई अंततः वर्ष को मास को से 150 टंका रखि पारिबो भगवान को दरबार ये जो पुण्य फल ये पुण्य फल मला बेल को आपण सहित जीव दी जदि किसी भल कम करोपकार नंबर तीन तृतीय कथा कौन जीव आत्मा सहित जीव जदि खराब कम कर कटु कथा कही बापा माँ को दंड दे गुरुजन लोक को भर्त्सना कर अन्यर जमी बाड़ी को अपहरण अन्यर अर्थ को अपहरण अन्यर दारा को अपहरण ये जो पाप फल ये मध्य परजन्म जीव केमिति जीव ना जथा धेनु सहस्रेशु बच्छा बिंदति मातरम हजारटा गाई ठिया हेतिबे मा बाछुरटी को खोली दियंतु हजार गाई भितर बाछुरी जमी पर्टिकुलर ता माँ पाखे जा पहुँचब सेमती आपणकर आत्मा बालियारे मरी जदि ए आत्मा आमेरिका रे जन्म ही थाए बालियारे करिथिबा पाप आमेरिका रे आपण को जा धरब बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय ये तीन टी कथा व्यतीत चतुर्थ कथा आत्मा सहित किसी जापरना हे दशरथ अरे भर्जिया जीव वितंत गृहे पशुपक्षी गोष्ठे जाया गड़ द्वारे पुत्र श्मशाने स्वबंधु वर्ग चिताग्नि शेषे जीव परम धर्म एकम सहाय जहा टंका पैसा धन दौलत रखीचु काले मो पु दबनी कि देदेवि ताको सबुजाक किसी हाथ रखी ना प्राण गला संचितिबा धन कौन हब थोइला धन तोर खंट खाइबे थोइला धन तोर खंट खाइबे हमें तोहर घर करी रहीबे मन भज गोविंद दर जंजाल जाओ हो रहुदा
ଏତିକି କହୁଛି ମନ ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଯଦି ପଇସା ଅଛି ଧନ ଅଛି ଦୌଲତ ଅଛି ମଲା ବେଳେ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ନେଇ ହବ କୋଉ ବାଟେ ନେଇ ହବ ଯଦି କିଛି ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ କାମରେ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦଶ ଟଙ୍କା ଏଠି କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ଲାଗୁଛି କେତେ ଅତିଥି ମୁହଁରେ ପଡୁଛି କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ଦରବାରରେ ପଡୁଛି ଏ ଯୋଉ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ନା ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଏଇଠି ଯାହା ପୁଣ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଶହେ ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ହଜାର ଟଙ୍କା ଦୁଃଖିକି ଦରିଦ୍ରକୁ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ଦଉଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଇଏ ପଇସାକୁ ଆପଣ ଫେରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଏଠି ଡ୍ର କରି ହବନି ଏ ପଇସାକୁ ଡ୍ର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥିବା ପଇସାକୁ ଆପଣ ଡ୍ର କରି ଆଣିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପାରାୟଣକୁ ଶହେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା କଲେ ତାକୁ ଫେରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯାହା ଦେବୁ ହସ୍ତ ଟେକିରେ କୁମର ଯାହା ଦେବୁ ହସ୍ତ ତୋଳି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ତ ପିଣ୍ଡର ପ୍ରେରଣ ଚାଲିଯିବ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ ଆରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଲୋକଟି ଥିଲା ଚାଲିଗଲା ତାକୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯିବା କେତେ ଘଣ୍ଟା ରଖିପାରିବେ ତାକୁ ଘରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଯେଉଁ ମହତ ଲୋକମାନେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଭଗବାନ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସେ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଦେଢ଼ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ଆମ ଦୁଆରକୁ ଆସିଲାଣି ସେଇ ଲୋକଟି ଯଦି ମରିଯାଏ ତାର ଶବକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବାଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ଅସ୍ରାଏ ବର୍ଷା ଆସିଲା କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା ଯେଉଁ ଲୋକ କାଲି କହୁଥିଲା ଆପଣ ଭଗବାନ ମୋ ଘରେ ଆଉ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରହନ୍ତୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାହିଁ ପଳେଇବେ ସେଇ ଲୋକକୁ କହିବେ ଭାଇ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବସିଥିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପୋଟିକ ତଳେ ଶବଟାକୁ ଟିକେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ରଖିବୁ କି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ମଶା ଆଣିକି ନବୁ ରଖିବ ଯିଏ ଏତେ ଆଦର କରୁଥିଲା ଗତକାଲି ଆଜି ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ ତା ଦୁଆରେ ସେ ରଖିବ ନାହିଁ କାହିଁ ରଖିବନି ତା ଦେହରେ ଯିବ ନାହିଁ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେ ଶବ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଆଉ ଜୀବ ହେଇକିରି ନାହିଁ ସେ ଶିବ ହେଇକିରି ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନ ଯାତ୍ରା କରିବେ ପୁଅ ନିଆଁ ନେଇକିରି ଯିବ ଶ୍ମଶାନକୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବେ ଭାଇ ଭାଇ ବେଳ ଆସି ଦୁଇଟା ବାଜିଲାଣି କେତେବେଳେ କିଏ କହ ମୁଁ ଅଫିସ ଯିବି କିଏ କହ ମୁଁ ହାଟକୁ ଯିବି କିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିବି ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ନ ଜଳିଲେ ପିଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗୁରୁ କେଞ୍ଚୁ ଥିବେ କେଞ୍ଚଣା ବାଡ଼ି ନଜଳିଲେ ପିଣ୍ଡ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗୁରୁ କେଞ୍ଚୁ ଥିବେ କେଞ୍ଚଣା ବାଡ଼ି ମସେ ନ କହି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ ସେନ କହି କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷଣେ
निरते रहिला तम न चढ़ी मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେହକୁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ ଏ ଦେହ ରାଜା, ଏଥିପାଇଁ ତୋର ଏତେ ମମତା। ଆରେ ଦେ ହାତ ଟେକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ତୋ ପଇସାଟି ଲାଗୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ଯଜ୍ଞରେ, ରାମକୁ ଦେଇଦେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଧରି ଯାଉଛି ଦଶରଥଙ୍କର, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁସର ଧରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। କହିଲେ ବାପା, ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ଯିଏ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ସେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ସିଏ କ'ଣ ଖାତା ଦେଖିଲେ କି? ଖାତା ବୋର୍ଡ଼ ଡାକିଲା, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଗଲେ, କାହା ଖାତା କିଏ ଦେଖିଲା? ମାର୍କ ସେମାନେ ଦେଲେ, ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ କାଲି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ମୋ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ କେମିତିଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲା, ମୋ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ ମୋତେ କେମିତିଆ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲା। ରାମ କହିଲେ, ବାପା ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି ବଶିଷ୍ଠ, ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ନବ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଆମ ଗୁରୁ ଆମକୁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ଦଶରଥ ଅର୍ପଣ କଲେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ ଋଷିବର, ରାମଙ୍କୁ ନେଉନ ଋଷି ନେଉଛ ମୋ ପ୍ରାଣ। ଦଶରଥ, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାଣଶୂନ୍ୟ, ଆଜିଠାରୁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପିତା ବୋଲି ଜାଣ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜା ଏ ସଂସାରରେ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି, ଆଦାନ ଆଉ ପ୍ରଦାନ। ଆପଣମାନେ କିଛି ଦେଲେ କିଛି ପାଇବେ, ଏ ସଂସାରର ନୀତି। ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ବଦଳରେ ପରମାର୍ଥ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ, ରାଜା ତମେ ରାମଙ୍କୁ ଦେଲ, ମୁଁ ନେଲି, ମୁଁ ବି ତମକୁ କିଛି ଦେବି ପ୍ରତିଦାନରେ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆକାଶରେ ଦେବତାମାନେ ଦେଖିଲେ, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି କି? କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଚିନ୍ତା କଲେ, ରାଜା ମୋତେ ଠିକ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଟି? ବାଟରେ ଅଟକିଲେ, କହିଲେ, ରାମ ଏ ବାଟେ ଗଲେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତିନି ଦିନ ଲାଗିବ, ଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା। କହିଲେ, ଗୁରୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ବାଟରେ ରାକ୍ଷସମାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଯଦି ବାଟରେ ସେ କାମ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମନେ ମନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଇଏ ହିଁ ମୋର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ, ଦେଖିଦେଲା ତାଡ଼କା, ଦେଖିଦେଲା ସୁବାହୁ ମାରିଛ, ଏ ବାବାଜୀ ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ କାହାକୁ ବୀର ଧନୁସର ଧରିକିରି ଆଣିଲାଣି, ଏଇଠି ବାଟରେ ଅଟକେଇ ଦବା। ଘୋର ଗର୍ଜନ କନ୍ନକରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ବଜ୍ର ଉପରେ ବଜ୍ର ଉପରେ ବଜ୍ର ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, ବଜ୍ର ଉପରେ ବଜ୍ର ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା, ବଜ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥଳ ତାଡ଼ ଛାଡ଼ିଲା, ବଜ୍ର ଉପରେ ବଜ୍ର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ବଜ୍ର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଜ୍ର ପାତରେ ଯେମିତି ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦ ହୁଏ,
से भली गर्जन सुनागला ताड़कार घोर गर्जन करी माड़ी आसुची तारका विश्वामित्र कहले राम ये राक्षस मानकर चित्तकार तमें धनर बाण प्रस्तुत कर रख जेकोसी समय राक्षस मान आम को आक्रमण करते कहे गुरुदेव आम प्रस्तुत अच्छु आ विक्रमी आसला विक्रमी आसला विक्रमी आसला मन बेगे विक्रमी आसला बट मेघ खंड पी पायु जोगे बट मेघ खंड पी पायु जोगे बट मेघ विक्रमी आसला मनर बेगे मनर गति सबुठारु प्रखर ताठारु आहुरी शीघ्रतर गति रे ताड़का आविर्भाव हो गला विराट तालपाद भरी पाद मेघमाल भरी बादल भरी केश गुच्छुची भयंकर चेहरा भयंकर दांत ठोट हास्य करुची ताड़का विश्वामित्र कहले राम ये से ताड़का प्रथम याके संहार कर ठोट हसुची ताड़का राम कौन कले धनुरे तीर लगे थे काढ़ी देने हाथ जोड़ी गले कले गुरुजी क्षमा करंतु मु याकु मारी पारिबनी कले की कथा तमे याकु मारी पारिबनी कले गुरु मारी पारिबी किंतु मारी भी नाही कहीं के मारिबनी तमे परा मारी बापाई मो सहित आसीछ तमे परा राक्षस मानंक कबल रु मो यज्ञ को रक्षा करबा को प्रतिश्रुति देइछ तमें मारे ताड़का को कले गुरुजी क्षमा करंतु जते बेले शस्त्र विद्या शिक्षा देले कुलगुरु वशिष्ठ आमें दक्षिणा देलु गुरुदेव कहले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारि भाई माने मन दे शुण तुमको जो शस्त्र विद्या मु देछि ये शस्त्र विद्या रे तमें को कम हला साउंड ए बापा साउंड दबिला टिके मोबाइल रे मन काट खेने हाँ जितने लक्ष्य करता कम होने डिस्टर्ब हो जाऊ से विश्वामित्र कुलगुरु वशिष्ठ कही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तमें मने रख तुमको जो शस्त्र विद्या मुझे तमें जम को भी परास्त करी पारिब किंतु दुई जन को ऊपर को केबे शस्त्र उठेबो नाही ये से दुई जन एक ब्राह्मण कौन से ब्राह्मण ऊपर को शस्त्र उठेबो नाही दुई नारी कौन सी नारी को शस्त्र उत्तोलन करी शस्त्राघात करिवो नाही गुरुजी मो सामना रे गोटे नारी मो नारी हत्या करी पारिबि नाही मो गुरुंकर निर्देश नाही विश्वामित्र राम को मुंडरे हाथ लगेले कहले कल्याण करुची राम तम भली पुओ भारत वर्ष रे घरे घरे जन्म हुंतु जे गुरुंकर आज्ञा को पालन करुची जे वंशर मर्यादा को मर्यादा दउची किंतु राम तमे जहाँ को नारी बोली कहुछ से नारी देह रे किंतु आचरण रे से गोटे राक्षसी आचरण में से गोटे आतताई गुरुजी आतताई क्या कहती महाभारत श्रीमद भागवत महापुराण रे अश्वत्थामा को जत बड़े हत्या करने को जाउछंती अर्जुन सेत बड़े भगवान कृष्ण कहते सखाए गोटे आतताई ना आतताई क्या कहती अग्निजो गरध शैव शस्त्र पाणी धनापह क्षेत्र द्वारा पहरताच सत्येति आततायिन जे अन्य घरे अग्नि संयोग करे अन्य को जे परोक्ष भाव रे विष दे मारी दिए शस्त्र द्वारा अन्य को जे आघात करे कौशल रे अन्यर धन को जे अपहरण करे
कौशल रे कपट करी अन्यर जमी बाड़ी भूमि को जे दि हात चारि हात धपई करी निए कौशल रे अन्यर नारी को जे अपहरण करे सत्य ती आत्मताई न सात जन होचंती आत्मताई एमानकु बद्ध कले कौनसी पाप नाही ये नारी नुहे नारी जे न ओरी जहार कई शत्रु नहांती से होचंती नारी नारी होचंती मा माता निर्माता भवंती माता निर्माण करे माता केबे ध्वंस करे नी राम ये राक्षस को तमे संहार कर बुझेई देले गुरु वशिष्ठ कले देहरे नारी हेले नारी नुहे पैता सुताटे पकेले से ब्राह्मण नुहे तमे कहुच ये नारी ये आतताई उठा शस्त्र राम शस्त्र उठेले गोटे मात्र बाण एक ही बाण प्राण हरिलीना दीन जानीते ही निज पद दीना जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम एक ही बाण प्राण हरिलीना गोटे मात्र बाण मारी राम संहार कर देले कहा को ताड़का गोटे बाण द्वितीय पद रे गोस्वामी तुलसी लिखिले सज्जन दीन जानते ही निज पद दिन्हा ताड़का को दुखी मन करी राम निज देह रे आश्रा दे देले मिसई देले हाथ जोड़िले पार्वती महाराणी कहले प्रभु ये ताड़का होची आत्मताई आ जन्म जन्म मुनि जतन कराई मुनि जतन कराई अंत काल राम पाव तो नाही जन्म मुनि जतन कराई ऋषि मुनि माने तपस्या करिकरी ओई हुंका हे जाउचंती राम को पाउ नांती आत्मताई ताड़का किमिति राम को पाइला आउ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी गिरिराज कुमारी मसन नहीं तो नम ही तकारी गिरिराज नंदिनी तुम प्रश्न अति सुंदर जन्म जन्म तपस्या करी जोगी ऋषि माने राम को पाऊ नहांती शत्रुता करी राम को पाइला ताड़का भगवान रघुनंदन रामचंद्र निज देहरे मिसेई देले शिव कहिले पार्वती स्नान दी प्रकार प्रयाग रे को जो स्नान जोग पड़ुछि गोटे स्नान वैशाख मास रे हुए गोटे स्नान माघ मास रे हुए ये दि मास रे गाधेबार पुण्य गोटे माघ मास रे गाधेले जेउ पुण्य वैशाख मास रे प्रयाग रे स्नान कले मध्य सेई पुण्य किंतु वैशाख मास रे जेउ माने गाधौ छंती से माने ठंडा बरफ मिसा पानी रे आनंद रे घंटा घंटा धरी स्नान करू छंती माघ मास रे जो माने गाधौचंती से माने पुण्य अर्जन करबा को गाधौचंती किमिति बुडटे मारि कि पळै आसी पुछपाचे चाट के पी देबे गरम पाखरे बसि जिवे पुण्य एका हेले मध्य वैशाख मास रो स्नान आनंददायक होइथिला बेले माघ मास रो स्नान कष्टदायक होइथाय साधु संत मानंकु भगवान निज देहरे मिसै दियंती या उचंती वैशाख मास रो आनंददायक स्नान ये राक्षस मान को भगवान मारिकी निज देहरे मिसई दियंती या होती माघ मास कष्टदायक स्नान रोग गोटे प्रकार किंतु डाक्तर चिंता करिव क्या मेडिसिन दबो आउ क्या अस्त्रोपचार करिव काटिव
गोटे प्रकार रोग किंतु डाक्तर मर्जी से कह भाई मेडिसिन खा भल हो जदि सी चाह सेम रोग को से छुरी रे काटिकिरी ऑपरेशन करिबो मेडिसिन दे आनंद रे चिकित्सा पाउथिबा लोक पुण्यवंत लोक साधु लोक जो माने छुरी रे कटा हेकिरी भलो होचंती से माने होचंती राक्षस सर्व बोलबोल आनंद कुमार हरि बोल भगवान कर पवित्र लीला भगवान कर चिकित्सा अति सुंदर वंश शत्रु भगवान को पाइला गोपिया प्रेम गोपाली माने कृष्ण को प्रेम करुष बीट पुरुष भाविक मुक्ति गोपी कामात भयाद कंस कंस डरिकी शत्रु भाविक मुक्ति किंतु मुक्ति गोटे गोपाली माने जो प्रेम रे मुक्ति पाइले मुक्ति जहा कंस माड़ खाई मुक्ति है मुक्ति से आज ताड़का को भगवान मारिक मुक्ति दिले ये हूँ प्रभु अनंत कृपार भंडार ताड़का को मुक्ति प्रदान कर यज्ञ स्थल पहुँचिले सुबाह को गोटे बाण मारे से जली पड़ी भस्म हो गला मारीच को गोटे बाण मारे से लंका कटक चारिदिन अचेतन हो पड़ा संतोष रे ब्राह्मण माने यज्ञ पूर्णांग कल कल राम को लगे यज्ञ पूर्ण हो गला भारी खुशी हो गले ब्राह्मण माने राम साड़ा साधारण रजा पुओ ब्राह्मण माने भागुचंती नना माने डाकिले हे राम तमे केड़ बड़ उपकार कलम आस तुमको गोटे मंत्र शिखेई देवी राम कहिले गोसे दियंतु ना आचमन टिके कर यही मंत्रटा पाठ कले तुमको भोक लगेबनी कहले हाँ गुरुजी आउ जड़े ब्राह्मण डाकिले राम शुण मु तुमको भी गोटे मंत्र देवी तुम केत बड़ उपकार आमर आज कर राक्षस मान मार्छटी कि मंत्र ये मंत्री आप स्मरण कले आपण को मोटे शोष लगे आउ जड़े ब्राह्मण डाकुं लक्ष्मण डाकिले नना टी शुण लक्ष्मण राम कान पाखे कहले भाईना ये संसार रे क्यों मंत्र अच्छी आपण को अजणा कहले सब मु जानी ताले ब्राह्मण मान पाखे हाथ जोड़ी न्यून होकर कौन पे मंत्र शिखुंट समस्त विद्यार भंडार जहाँ पाखे अच्छी विद्या निधि को विद्या दिन्नि जे विद्यार भंडार ताकू विद्या दौंती ब्राह्मण माने आपण जो हाथ जोड़ी विद्या नौ लक्ष्मण को राम कले शुण भाई प्रत्येक लोकर गोटे गोटे स्नेह अच्छे ये स्नेह को आम सब्यस्त करने को पड़ो जिते पैसा था जिते वस्त्र था जड़े श्रद्धारे आपण को किसी दौर ताकू जदि अवमानना कर दे कष्ट किए गोटे श्रद्धाराणी मिठा टिके दौची भाई टिके निय प्रसाद पाई दिया गोटे न खाइले भी टिके आने तो खाए ना 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 मो मिठा खाए नहीं जा केमते आघात लगे तो कहले कोटिपति घर घरे आपण झील को बाहा घरे जहाँ फ्रिज रे मिठा अच्छे चाकर बाकर मैंने खाऊंट फिंगा जा तथापि झील घर को जीवे बोली बजार रु 50 टंकार कि 60 टंकार कि 100 टंकार मिठा किणी नेले भणजा भाणीजी माने दौड़ी आसिले मामू कौन आनी जो मिठा तंकर फिंगा जाऊँ गोटे पटिक पकईदे कहे मामू बढ़िया लगुच क्यों दुकान रु आनी ना सब बड़े ये दुकान रु आण भणजा भाणीजी माने आनंद गोटे गोटे खाईदे भिणई आसारे कौन भाई आनी मत गोटे दि तांकर फ्रिज रे जो मिठा अच्छी से गोटे मिठार दाम जाए कुड़िया मिठार दाम से किंतु श्रद्धार जो खाईदे से मन कुंडे मत हो गला जाओ मु आनी मो भाणीजा भौनी माने केड़े श्रद्धार खाइले मो आपण निजे भी अनुभव करंतु आपण गोटे बंधुर गोटे मुठा पुड़िया नहीं जाइछंती सेमती थुआ है टेबुल आपण आसवा पर्यंत क्यों छुना आपण मन थी कौन कहीं ने कहीं खोल कहीं गोटे खाइले सतना मीछ कहतु कष्ट हबना ना राम कहते लक्ष्मण रे ये संसार हूँ प्रेम संसार जदि गोसाई मान को मुझ कह मंत्र मुझे जानी मन दुख हो खुशी होती देख लु
तेणु अन्य को टे खुशी दबा ये हूँ भक्तर कर्तव्य भगवान हेले मध्य ब्राह्मण मान को खुशी करिबा पाई निजे न जानिबार अभिनय करुछंती। सरीगला यज्ञ एबे कहिले विश्वामित्र राम लक्ष्मण आउ गोटे यज्ञ पाख आमको जीवाक पड़ब क्योंकि मिथिला कटक चलतु जीवा से जगह धनुज्ञ हूँ धनुज्ञ तुम्हें केवे देखी नथिबो कि शुणी नथिबो कहले गुरुदेव चलतु आ विश्वामित्र पछे पछे गले पे निबीर अपूर्व आश्रम एक देखिले बनर पहुंची गले जिन्न जिन्न यज्ञ कुंड दे रही छंती योगी ऋषि मुनि के ही नहंती से ठार दोहिता नायिका रूप रे एक पड़ी छी पथर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। गोटे पथर मूर्ति अवनत मस्तक हाथ जोड़ी आंठू माड़ी एमती पड़ी नारी पथर मूर्ति टीए अटकी गले राम कहले गुरुजी ये पथर मूर्ति टी एमती कौन पड़ी हाथ जोड़ी कहले राम ये बस मुमको ये पथर मूर्तिर रहस्य कह। राम लक्ष्मण बसिले जेतेबेले राम लक्ष्मण बसी गुरु विश्वामित्रंक पाई निजरा उत्तरी काढ़ी बिछे देले ब्राह्मण माटी रे बसिले वसुधा अपवित्र हो जाए वसुधा क्रोध करे ब्राह्मण माटी रे बसिले गुरु माटी रे बसिले तेणु भारत वर्षर संस्कृति प्रत्येक भारतीय माने कांधरे खंडे गामुछा पकई थांती आवश्यक पड़े गुरु गुरुजन को बसवापाई से दे दिंती। राम उत्तरी काढ़ीदे जंगल बिछेदे कहे गुरुजी बसतु राम गोटे पाद लक्ष्मण गोटे पाद गुरु दीपाद को सेवा करवा हूँ जगत रे बड़ धर्म सेवार प्रतिदान किसी ना माँ जी जीवन जी सेवा करती पुण्य पाए सेवार विकल्प किसी ना ये संसार रे सेवा होती परम धर्म विश्वामित्र दुई पाद को सेवा करश्वामित्र कहले राम ये जो आश्रम तुम्हें देखु ये बाजी ना जीर्ण शीर्ण यज्ञ कुंड नारी टीए अवनत मस्तक पड़ी नारीर नाम हूँ अहल्या ये हूँ गौतम ऋषि पत्नी देवराज इंद्र यंकर सतीत्व नष्ट कले गौतम अभिशाप देले ये स्वामीर अभिशाप रे पत्थर हो जाइछंदे। राम पुनः प्रश्न कले गुरुजी गौतम आश्रम दंडकारण्य रे इंद्रंकर वासस्थान स्वर्ग रे ये भली अपकर्म इंद्र कौन पाई कला विश्वामित्र कहले राम शुण ये अहल्या होती ब्रह्मांकर कन्या ब्रह्मांकर मानस कन्या जेतेबेले जन्म हला युवती अवस्था रे विवाह करिबा पाई दी जन पहुंची गले सूर्य आउ इंद्र ए दी जन जाक विवाह करिबा को प्रतियोगिता कले ब्रह्मा कहिले जे ब्रह्मांड प्रदक्षिण करी आसीबो मु ताकु ए झियो को बाहर दे दबो आ बोलु बोलु भ्रमी गले बेनिते बोतम जन चालन करुले गौतम जन चालन करुले गौतम जन चालन करुले चमर सेवा करुले गौतम ऋषि ब्रह्मा कहले गौतम तुम्हें कौन मो युवती झील को देखी किसी मनरे भाभी पार न
इंद्र गला प्रतियोगित सूर्य गला प्रतियोगित तमें कौन मो झी को बहुत करने को इच्छा करू न कहे इच्छा अच्छी गुरुजी ताले ब्रह्मांड प्रदक्षिण करने को गलन कौन पाई कह आज ब्रह्मांड प्रदक्षिण मुसारी आपण ब्रह्मा ब्रह्मांड सृष्टि मुण को सात थर प्रदक्षिण कर सारे केत थे प्रदक्षिण कर इंद्र सूर्य आसी ना कन्या बर एत रूप झी बह झी चिंता कै मो स्वामी सुंदर होता दरकार झीर बापा शशुर चिंता कै मो ज्वाईटा विद्वान होता दरकार माता भित्त माँ कह पाठ पढ़ू न पढ़ू मेचे टा मो जो पाखे बांधवा कूल मई बंधु बांधव मैंने जति गोत्र देखिए मिष्टान इतर जना ब्रह्मा कहले ये ठीक जुआई या कन्या देवी ब्रह्मा बहुत करदे कले जाओ दंडकारण्य रुले बुले पलि आसिले इंद्र सूर्य से ही दिन ठार इंद्र राग रहा क्या ना हल्या दंडकारण्य बास कर गंगा स्नान करने को जाते गौतम ऋषि राति टी अधिक अच्छी फेरला बेल को डेरी होवसर इंद्र गौतम रूप धारण कर इंद्र सतीत्व नष्ट कला हे राम फेरी आसुंच गौतम देखिले इंद्र चली जाऊँ मंत्र पाणी छिंसी दे विराड़ी रूप धारण कर इंद्र जाऊला स्वरूप लाभ कला अभिशाप दे गौतम तमें देवराज इंद्र देवता राजा ही ब्राह्मण स्त्री को अपहरण कल तम देह सहस्र भग सृष्टि जाओ पर तपस्या कर इंद्र सहस्र आखिरे परिणत करते अहल्या अहल्या हाथ जोड़ीदे कले स्वामी आपण गंगा स्नान को गले मुदर शोली आपणकर रूप धारण कर इंद्र मोर सर्वस्व लुंठन कला मत आप क्षमा कर दिंतु गौतम कहले अहल्या मुते बड़े जाए तुमको किसी भी पचारे तुम्हें तुम पक्ष कह तुम्हें कि दोष करना ठीक अच्छे मुनि ताल कौन दोष होता ना आप मत गंगा स्नान करने को गला बेले निदर उठे इंद्र एभली कम करने को साहस कर न था गौतम ऋषि हसिले कहले अहल्या तमें परा देवलोक रु आसीच तम बापा परा पितामह ब्रह्मा तम माँ परा जगत जननी सावित्री गायत्री ये भली वंशर परंपरा ये भली वंशर झील हो तमें मत एक कथा कही पारुछ तम देवलोक कौन स्वामी निदर आग उठी स्त्री को निदर उठाए ये परंपरा तम देवलोक अच्छी नीरव रही अहल्या गोटे स्त्री होती कर्ण मुनि कन्या शकुंतला महाभारत आपने शुणे शकुंतला को जिते बड़े देखीदे दुष्मंत रूपर मुग्ध हले प्रेम बहुत होला बह पर जिते विदाय दौंती झील को कर्ण मुनि कहले मालो बाबाजी टीए झी को जन्म करनी तते पाली थी पाली थी मो आखिरे लुह आसुची ये संसार रे एमती कई झीर बापा ना जीवन रे जिते विपत्ति पड़े ता आखिरे लुह आसुन किंतु भगवान जदि ताको झील दे थे जो दिन से झील को कन्यादान कर से कांद यह सत्य जी बाबाजी कहूँ मो बाबाजी हेले आजी पाली झील को कन्या दान कला बेले मो आखिरे लुह बाधा मानुनी संसारी लोक मान जो कन्या को विदा दौथे अवस्था कौन हो झी ये पालिता बापा तते कि माग कांदी कांदी शकुंतला कहले बापा तमें कौन माग मु तुमको कौन दे पारि कहले मालो ऋषि आश्रम बढ़ी थिलु तो भाग्य तते हस्तिनार पाटराणी करदेला ये बाबाजी बापा तते कि माग माग बापा आज कहते महामुनि कन्या झील मन रखिथु गोटे कथा स्वामी भोजन पर तु भुंजीबू स्व
शैबु शयन परे स्वामी को भजन परे तो भजीबु शैबु शयन परे स्वामी को निद्रा भांगिला पूर्व रु उठुजीबु प्रत्युषरे निद्रित थिला अवस्था रे कहा को प्रणाम करा जाए नाही किंतु सखवा नारी स्वामी निद्रित थिला अवस्था रे जदि से आगो सज्जा त्याग करी स्वामी रो चरण स्पर्श करी मुंडरे लगाए मृत्यु पर्यंत से सिंदूरता मुंडरे रहिबो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज गोटे कथा तो मागी जदि अकाल सकाले ये बाबाजी बापा केवे हस्तिनार राज प्रसाद को जाए चाकर बाकर ठारु आरंभ करी रानी अंतपुर प्रत्येक सदस्य मुहर मु गोटे कथा शुणा को चाहूँ माँ कौन बापा समस्ते कहिबे बाबाजी टी हेले मध्य झियो को संस्कार देछि झियो को संस्कार देछि प्रत्येक बापा मा समस्त इच्छा करंती गाँ मुंडरे प्रवेश कला बेले नुआ झियो बा हेछि बस रो लेला कि गाड़ी रो लेला पान दुकान रे पान खंडे खाइला बापा मौसा कोठी कि जिबे कि ना मुकै घर को जिबे मो अमुक लोकर ससुर मो झी बाई नमस्कार मौसा झीटे दे मौसा आम गाँ को इमितिया बहु कई आसी नथिले मौसा गाँ जाक तुम झीर समस्त प्रशंसा करपार छाती कुंडे मोट होदी पान दुकान रे शुणीगला परोक्ष भाव यही लोक झील दे पांच भाई मन मिले चलुले भाई या झी आसला खंड खंड हो गला घर बापा से झी घर को जीवन प्रत्येक पिता माता झीर सौभाग्य ही चिंता करती प्रशंसा ही चिंता करती तम बापा तुमको यही संस्कार दे तम माँ तुमको यही संस्कार दे तमें मत कह तुमको निदर उठे था तुमको मो अभिशाप दौर तुम्हें पाषाणी हो जाओ अहल्या पाषाण हो गले अहल्या पाषाणी हो गला बेले हाथ जोड़े कहले स्वामी आपण मत पाषाण करदे किंतु आपण अभिशाप मोप आशीर्वाद हो राम कहते गुरुजी कौन आशीर्वाद दे गौतम कहले हे अहल्या जदि राम पाद धूली तुम उपरे पड़ब तुम्हें मुक्ति हो विश्वामित्र पाद सेवा करुले राम हाथा अटकी गला मुंड तल को करदे राम टिके उठ तले हाथ लगे मुंड को ऊपर को उठेदे राम मु तुमको जहा कहली तुम्हें शुनी पार ना कहले हाँ गुरुजी ताल कौन गोटे माँ को तुम मुक्ति दबनी तुम चरण धूली को शह शह वर्ष अपेक्षा कर गोटे ऋषि पत्नी को तुम कौन मुक्ति दबनी राम क्षमा करंतु गुरुजी ये ब्राह्मण स्त्री मु क्षत्रिय ब्राह्मण स्त्री उपरे मु किमिति पाद थोइबी विश्वामित्र कहले राम से परा गोटे माँ ब्राह्मण स्त्री तमर माँ टी खाली जन्म कला वाला माँ नुहे गर्भधारिणी धात्री च गुरुपत्नी च ब्राह्मणी राजपत्नी पृथ्वी गाभी ये तानी सप्त मातृका सात जन होती माँ ये जन्म दे पाली माँ प्रजार स्त्री राणी माँ ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मणी माँ पृथ्वी माँ गाई माँ ये ब्राह्मणी माँ जोबले माँ पिला को गर्भरे धारण करुची से पिला कौन माँ को गर्भरे पदाघात करूनी करते माँ को कौन कष्ट हूँ से कष्ट आनंद दौर मो पा मत आघात कले भी मत आनंद लगुच्छी से ही न्याय
भागवत महापुराण कहिले जत बेले भगवान कृष्ण देवकी को पेट को आघात करुछंती पादरे सेत बेले देवकी को आखिरे लोह आसुछि भागवत रे लिखाई उत्क्षेपण गर्भगतस्य पादः उत्क्षेप करणी भगवान जत बेले पदाघात करुछंती देवकी कांदी पकाउछंती वसुदेव कहले देवकी कष्ट होछि हसी देले ना मते भलो लागुछि तमे से मां को मुक्ति दे पारिबो ने राम टिके पाद टेकी देले दीटा पाद धोली गली पड़ा शरणागत पावन शोकन सावन सन मुख होई कर जोरी कही अतिशय बड़ भागी शरण ने लागी नयन जुगल निरधार बही श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम अतिशय बड़ भागी चरण निलागी नयन जुगल निरधार बही राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम शिशु सप दीना अति भल दीना परम अनुग्रह माना देख तो भरी लोचन भव भय मोचन यह लाभ शंकर श्री राम जय जय राम जय जय राम संकट मोचन जय भगवान श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय सुनुनथिले राम अहल्या पाद को झबुड़ी धरिले कहले प्रभु मो स्वामी मते दंड देई नहंती मो स्वामी कर अभिशाप मते भगवान को पादरे पहुंचे देछि ये संसार रे कौन से स्वामी के स्त्री को दंड दिए ना प्रभु अहल्या को मुक्ति प्रदान करी विश्वामित्रंक सहित राम लक्ष्मण गंगा कूल रे पहुंचिले डंगारे बसिले धीरे धीरे डंगा मिथिला कटक अभिमुखे यात्रा कला गंगा भितरे डंगा चलिछि ए गंगा मया धीरे बहो ये गंगा मया धीरे 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 बहो तेरा किनारे मेरा मलक्ष्मण तेरा किनारे मेरा मलक्ष्मण ए गंगा मैया धीरे बहो तेरा किनारे मेरा मलक्ष्मण ए गंगा मैया धीरे बहो गंगा
ଆଜି ରଥ କି ଗଙ୍ଗା ଏପଟ କି ଡଙ୍ଗା ଦଶରଥକି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଙ୍ଗା ମୈୟା ଧୀରେ राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण राम लक्ष्मण ଭଗବାନ ଡଙ୍ଗାଟି ଆର ପାରିରେ ଲାଗିଲା ମିଥିଳା କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାଜଋଷି ଜନକ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ଜ୍ଞାପନ କଲେ ପାଦ ଧୌତ କରିଦେଲେ ଫୁଲମାଳ ରମ୍ବେଇ ଦେଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଜନକ ପଚାରିଲେ କାହାରେ ସି ଯହ ଦଉ ବାଲକ ମନେ କୁଲ ତିଲକ କି ରୂପକୁଲ ଘନକ ହେ ଋଷି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଋଷି କୁମାର ନା ରାଜକୁମାର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଣାମ କର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜର୍ଷି ଜନକ ଜନକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ରାଜା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦଶରଥ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଡ଼ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାର ପୁଅ ୟାଙ୍କ ନାଁ ରାମ ସାନ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ୟାଙ୍କ ନାଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୋର ଦ୍ୱାଦଶ ବାର୍ଷିକୀ ଯଜ୍ଞରେ ରାକ୍ଷସମାନେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇ ମାରିଚ ତାଡ଼କା ସୁବାହୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମାରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେଲା ପରେ ତୋ ଘରକୁ ଆଣିଛି ତୋ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଟିକେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିବେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଜନକ ରାଜା ପାଛଟି ନେଇଗଲେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ବଗିଚା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷୀରିପିଠା ଖାଇବେ ବାହାଘର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ରିସିଭର ହେ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଟିକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ମିଥିଳା କଟକ ଦେଖି ଆସନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ମିଥିଳା କଟକ ସେତେବେଳେ ମିଥିଳାର ନାରୀମାନେ ଦି ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ ଲକ୍ଷେ ରାଜା ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ସରି ହେଲା ଭଳି କେହି ଜଣେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ଆଜି କି ଭାଗ୍ୟ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କିଏ କି ଜଣେ ସହଚରୀ କହୁଛି ଆଉ କେ ଦୁହେଁ କେ ବୋଲେ ଏ ଦୁହେଁ ରାଜକୁମାର ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ୟାଙ୍କ ବିୟର କେବଳ ଏ ଦୁହେଁ ରାଜକୁମାର ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ୟାଙ୍କ ପିଅର କିଏ କହିଲେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାପତି ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ
श्यामल पुओटी ना राम एवं गौर पिलाटी नाम लक्ष्मण ये आसी ऋषि यज्ञ रक्षा करने को आसी धनुज्ञ देखा मिथिलार नारी मैंने कहले आमर भाग्य हाँतानी दी भाई आम राज्य सीता को बहुत करते उर्मिला को बहुत करते धनुज्ञ मंडप बुली सारी राम लक्ष्मण पहुँचीगले गुरु पाखे संध्या हला तर्पण कले प्रार्थना कले एवं निद्रा गले राति पाही जाइछि विश्वामित्र कहले राम लक्ष्मण किसी फूल मत दरकार आने दे पार कहे हाँ गुरुजी फूल जनक राजा पुष्पवाटिका आपण मैंने जानती दुईटी बाटिकार कथा रामायण वर्णना कराई गोटे पुष्पवाटिका जनक राजा गोटे अशोक बाटिका रावण पुष्पवाटिकारे चौदह वर्ष अवस्थान करते हसी हसी माँ जानकी अशोक बाटिकारे कांदी कांदी चौदह मास रही थे राम लक्ष्मण गुरु आशीर्वाद पाई फूल तोलवाई राजोद्यान को गले जगबंधु अंके रतन पलंके जगबंधु अंके रतन पलंके जगबंधु अंके रतन पलंके अहुरी ले सिंधु अहुरी ले सिंधु जे मादेई अहुरी ले सिंधु जे मादेई जगबंधु दिव्य सुपास Thank you.
रामचंद्र भगवान की जय। फूल तोलिबा पाई भगवान रघुनंदन रामचंद्र दिवाकर बाबांकर जन्मदात्री माँ पुअर ये कार्यक्रम पाई जहाँ को डाकिछंती आपण माने ताको श्रद्धा रे दोछंती मार आशीर्वाद मार आशीर्वाद जा उपर थिव सारा जगत से जीति पार आज माँ गोटे पुओ को जन्म देछि आम पाखरे जमती दीपतल अंधार भली आम गाँव रिला हेले जोबले गाँव मटीर ना रखिंट से आगे बर्तमान आहुरी 30 वर्ष 40 वर्ष अच्छे आम बयस पहुँचला बेलू सी हे तो भारत बर्षर अधिक भर कर सारी से मार सौभाग्य के भली पुटे से जन्म दे संथ अभिराम परमहंस जोबले माँ कहले कहले पुअरे बहुटे देखी बोली इच्छा करी तू कौन बह हबुनि माँ बहुत कांदिले अभिराम परमहंस कहले माँ मोर बागर हेले कौन हम कहले रोशनी हम बाजा बाजिब भोजी भात हम कहले माँ मो बागर गोटे दिन हम गोटे दिन भोजी भात हम गोटे दिन बाजा बाजिब सारा जीवन मु कांदिबी तू देखिबु ना हे माँ तो जदि बाजा रोशनी बाण देखा चाहू ताले गोटे दिन नुहे तो गाँव में सबुदिन बाजा रोशनी बाजा बाजिब माँ तेणु मार सौभाग्य पुपाई ये लोक कड़े अच्छा भगवान दरबार चली भगवान आशीर्वाद ये माँ को कोटी कोटी वर्षर पुण्य भगवान दियंतु से पुओ को दियंतु आपण मैंने भी गर्वित आंकड़े अनुष्ठान को आपण मैंने बचे रखत दिवाकर बाबा आपण अलग ही जातु चिंता ना आज से नहांती आपण किंतु ये अनुष्ठान सुंदर भाव चली ये केवल से दूर रही देखा चाहूं जे मु नथिले मो गाँ बाला अनुष्ठान को किमिति चलाउछंती से जाइछंती से पैसा पई जाई नांती मां आउ से खुशी हे जेतेबेले से देखिबे तांको अनुष्ठान तांको अनुपस्थित रे मध्य सुंदर भाव रे चली छी आपण माने चली छंती ताहे तांको पई श्रेष्ठ श्रद्धांजलि हबो बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। माँ कही जीवे जी ये बाघर प्रसाद छाड़ी जीव ना ता घर आघर हम पुझेन सत कथ मु प्रेम कह बाघर प्रसाद खाई जातु आपण पुओ झीर बाघर हूँ बोले आनंद फूल तोलवाई राम लक्ष्मण जा जेतेबेले पहुंची गले उद्यान भितर अपर पार्श्वरे सीता आसी दुर्गा पूजा करिबा पाई रामंकर बाम नेत्र को सीतांकर दक्षिण नेत्र प्रकृति पुरुषंकर प्रथम साक्षात पुष्करणी रो गोटिए पाखरे राम लक्ष्मण गोटिए पाखरे सीता सीतांकर आखिरे पलक पड़ुनी सहचरी माने कहिले सीता राम को तो विवाह करने को इच्छा करुचु कहले हाँ भौणी बापा राम प्रशंसा मुझे मो भगवती को प्रार्थना करुची मो भाग्य अच्छी ना नहीं कहले हे सीता या रूप को देखुटी ये केवे धन को टेकबना तो बाह के संभव नुहे जदि कहू राज उद्यान
आमे गांधर्व मतरे तम क्षत्रिय कुळरे अच्छी रामंक पाखरे तते पहुंचाई देबू तू तांको फुलमाळ देबू बाघटा एठेजु। सीता कहिले भौणी माने मो बापा मते जेतबेले जन्म देला मो मां मते जन्म देला मो बापा सुनिले मोर गोटे झियो होईछि सही दिन ठारू मो बापा मानसिक स्तर रे प्रस्तुति रहिबो ये झियो को मु पाठ पढ़े मनीष करी भल पात्र देवी। झियो जेतबेले बहुत पाठ पढ़े माँ कहे हये झियो को एते पाठ पढ़ाऊच ज्वाई कि जौतुक दे पारिबटी सेतबेले बापा कहे मो जमी बाड़ी डीह बिक्री कर देबी मो झियो को मु सत पात्र देबी किंतु एबे झियो माने बापा मांकर मन कथा को बुझु नहांती। बापा मां केते कष्टरे केते जत्नरे तंकु बढ़ई छंती सेमानंकर जतबेले पुओ झियो हबो सेतबेले अनुभव करिवे तंको पुओ जतबेले तंकु धक्का दे जीवो सेतबेले अनुभव करिवे मो बापा मांकु केते कष्ट होइथिबो मो बापा मुहरे मो काली बोली देली। ये संसार रे केही बापा नहीं झियो को खराब पात्र रे दबा पा। सीता कहिले लोक न कहंतु जनक राजार झीटा मने मने बाहीगला मो बापार सम्मान मोर आचरण उपर निर्भर करे झीर चली चलन झीर व्यवहार झीर कथबार्ता उपरे बापा मानकर सम्मान निर्भर करे जगत कहे जा हो अमुक लोकर झीटा ना आखि उठे क्या चाहे यही हूँ बापा मांकर सम्मान। हे झीओ भल पाइबा पाप नुहे हेले जदि तते संसार रे ताल दे तमे चलुच भल पाओ प्रेम विवाह करो हेले बापा मांक सम्मान रहिबा भली गुटी पात्र तमे निर्वाचन करो ताले बापा मां मुंड टेके पाटो चली जाए एमिति काम करो नहीं जहा द्वारा तम बापा मां दंडरे मुंड तळुक करी चली जाए। सीता कहुछंती सहचरी माने मु से काम करि पारिबिनि बरम राम को विवाह न हुए मो भाग्य रे जहा लेखा थिबो मु मो बापार सम्मान को बजाय रखिबि। पहुंच गले दुर्गांक मंदिर रे भगवती दुर्गांक पाकर हाथ जोड़ी नत दान पूर्वक आखि लुहरे दुर्गांक पाद धोई दे बही दही कहुछंती हे माता जयत मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सहस्रोधा नमस्तुते जय तो देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी जय सर्पगते देवी कालरात्रि नमस्तुते मधुकैटभ विभ्राति विभ्राति वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि जसो देहि विजय देहि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वशक्ति हरि देवी नारायणी नमस्कते सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कते अद्या देवी परात्पर भगवती माता कृपा सागरी ब्रह्मानंद प्रदायिनी हर हर सुर चक्र चक्रेश्वरी माया मोह मोहि जनो करी ब्रह्मांड भंडोदरी ताहि मन दुर्गे सदा सुत करे श्री राज राजेश्वरे शरणागत देहनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यात्र देवी नारायण नमस्ते जा देव सर्वभूतेषु मत्रूपेण सच्चिदा नमस्तस्य 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 नमो नमः जा देव सर्वभूतेषु विद्यारूपेण सच्चिदा नमस्तस्य 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 नमो नमः जा देव सर्वभूतेषु मयारूपेण सच्चिदा नमस्तस्य 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 नमो नमः जा देव सर्वभूतेषु नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते नारायणी नमस्ते बोले भगवते दुर्गा मैया की। भगवती दुर्गांक कृपारो उपस्थित समस्त भक्त मानकर दुर्गति नाशन हो सर्वे बोल आनंद कबार हरि बोल। गौरी कंठ रु मालटी सीता मुंड उपर खसी पड़ा सहचरी माने कहले सीता लो ठाकुर को प्रार्थना कला बेले ठाकुर मुंड रु फूल खसिले भक्तर मंगल हुए तू निश्चय राम को विवाह करू
स्वयंवर दिन टी उपस्थित है लक्ष लक्ष राजपुत्र मान उपस्थित होती समस्ते धनु पाख को जाऊंती फेरी आसुंती केही धनु उठे पारे ना राजर्षि जनक घोषणा करदे किए मो झी को बहा कर वीर अच्छा आसत विश्वामित्र आज्ञा रघुनंदन रामचंद्र शिवधनु निकट को गले पिता माता गुरु पाद प्रणाम करी शिवधनु गुण देले जेतबेले शिवधनु गुण दौंती वज्र घड़घड़ी शब्द करी शिवधनुटा दिखंडित होगला समस्ते शंख हुड़ी शब्द रे गगन पवन मुखरित होगला रामचंद्र भगवान की गुरु विश्वामित्र कहिले हे सीता तुमर जयमाला राम कंठ रे दियो राम कंठ रे शोभा पाइला जयमाला पत्र लिखिले राजर्षि जनक स्वयंवर सिना हेगला राम कहिले मु वरण कली सत किंतु मो बापा अनुपस्थित रे मु विवाह करि पारिबि नाही पत्र लिखिले दशरथ राजा दुई पुंकु नेकिर पहुंचिले बरजात्री को संगरे नि दशरथ आसुछंती बरजात्री आसुछंती बर अछंती ससुर घरे बरजात्री माने पहुंचिले चारि पुंकु देखिले मिथिलार लोक कले जनकंकर दुई झियो सीता उर्मिला जनकंकर सन भाई कुशध्वज जनक दी झियो मांडवी आउ सुत केंति ए चारि पुआ जाक चारि झियों को विवाह करते कि ताहा ही हेला चारिटी विवाह मंडप निर्माण करागला विवाह मंडप रे कुलगुरु वशिष्ठ गुरु सतानंदंकर मंत्र तान रे गगन पवन मुखरित हेला रामंक हाथ रे सीतांकर हाथ को दे कन्या दान कले राजर्षि जनक आखिरु धार धार लुह छरी जाउची कन्या दान कला बले उच्च स्वर रे कांदुछंती जनक राजा ए सुंदर विवाह रे आपण मान टिके मंगल वाद्य श्रवण करंतु मन मन दुर्गा को स्मरण करंतु उपस्थित समस्त घरे ए मंगल काम हो सर्व बोल आनंद के बार हरि बोल सिंदूर प्रदान करुछंती चारि भाई जाक बदीरे गोटे कौड़ी खेल हुए जेतबेले कौड़ी खेल हुए से मुहूर्तटा बड़ा मजादार मुहूर्त बर पाखरे गोटे दल टका ठियाई थे झीवं पाखरे झीव मैंने ठियाई थे आय को कहते तू के छाड़बुनि झीवटा कौड़ी मुठे थो पु छड़ पु मुठे थो झी छड़ जदि झी हाथ रू पुटा कौड़ी छड़े नेला ताले सत जन्म पाई से पु दरिद्र हम जदि झी हाथ में कौड़ीटा रहीगला ताले सत जन्म पाई पुरुष लक्ष्मीवंत हम ये कौड़ी खेल सरीगला सुंदर भाव किछि दिन रहिला परे चारि झियंकु धरी
दशरथ महाराज अयोध्या प्रत्यावर्तन कले परशुराम सहित बाटर भेट होती जो विदाय मगुच्च राजर्षि जनक चारि झी को आनी दशरथ पाखे पहुँचने परशुराम चलीगले तपस्या करने चारि झी को धरी समुदी पाखे पहुँची गले समुदी ये चारिज झी को मुण अर्पण करुच्ची झीर बापा हिसाब से आपण आशा करी कांदुं जनक राजा जे कि बाबाजी देहर ज्ञान जहाँ पाखे ना आज प्रथम थर पर झीं कादुं समुदी मो झी मुझे आपण को मगिबी आपण मो झी मान टे चाकराणी भली स्नेह देवे तुम राजप्रासाद चाकराणी अच्छा कहे हाँ चाकराणी को जी स्नेह दौंट मोर चारिटा झी को आपड़ से स्नेह दे मो झीर बापा हिसाब से खुशी होगी दशरथ टे कौतुक कले कले समुदी ये झील मैंने चाकराणी केमती हे यहां मो चाकराणी भाई देखिपरि ताले मु अनुभव करी कि मो झी मान को आप झी सम्मान देवे कले ना झील तो तमर मुमी झी सम्मान देवी स्नेह देवी ताले मु आपण को निवेदन करी आपण बहु भाव नौ बहु भली स्नेह देवे दशरथ कले ना तम झी मान को बहु भली स्नेह दे पारिनी कि चाकराणी भली स्नेह दे पारिनी कि झील भली स्नेह दे पारिनी ये उच्च स्वर से जनक राजा कांदीवा को लगे कांदीवा समय दशरथ राजा आखिर लुह पोछ टे हसीदे कले कहीं लोह पोछले मो झीर बापा आशा कल मो झी चकराणी हो पारे बहू हो पारे झील भी हो पारे ताले शशुर शाशु हिसाब से आपण मो झी मान को कौन देवे दशरथ कहले समुदी शुण तमरे चारिज मोर झी नुहंती एम को बहुर सम्मान भी दे पारिनी एम को चकराणी स्नेह भी दे पारिनी कौन देवी शुण ये माने मो घर लक्ष्मी मुझे खटुल बस पूजा करी सच्चिदानंद भगवान लक्ष्मी की पूजा कला भाई तुम झील मान को पूजा करी समुदे आलिंगन कर पकड़े जनक राजा हे राजन तमें केते महान चार पु चार बहु को धरी दशरथ राजा अयोध्या प्रत्यावर्तन कले अस्तु आज बाणी को ये विश्राम दबा आपण मानक पाखरे ये अनुष्ठान को समर्पण करी जाउची हुए तो केतेबेले को कथा जो बयस मत भगवान रखिले जी रामायण कथा आपण मान शुणुंट प्रभुंकर कृपा ये कथा आपण मान कहाठारु शुणि पारिबे नाही यह निश्चित तेणु आपण मानक पाखरे ये अनुष्ठान को समर्पण करी निवेदन करुच्ची ये अनुष्ठान को आपण मैंने बंचे रखिबे आपण मैंने समस्ते एक स्वर टे हाँ बोल कहतु ये अनुष्ठान को आपण बंचेबे प्रभु आपण मान को कल्याण प्रदान करतु ये अनुष्ठान इमिति अद्वितीय अनुष्ठान ओडिशा रे हौ आसंतु गोटे मिनिट भगवान कर पावन नाम श्रीत मंडल हरि श्रीत कुछ मंडल द्रोत कुंडल द्रोत कुंडल चलित ललित राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाल हरि नंद गोपाल हरि पशुदेव पाल जय जय देव हरि दिन मणि मंडल
जय जय देव
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।